Good morning, everybody. We are in our 8th class and our subject is mathematics. We are going to on our chapter 2nd. Name of the chapter is exponents, that means powers. हम इसकी exercise 2.1 को पहले study कर चुके हैं. आज की इस video class में हम study करेंगे अपनी exercise 2.2. ये है हमारी exercise 2.2, जिसमें हम अपने simplification, evolution, find values and other points of rational numbers with positivity exponents and negative exponents. And it is our question number first. Simplify and express as a power of rational number with positive exponent. यहाँ जो कुछ भी हम लोग बेटा देख रहे हैं, ये negative exponents हम ऊपर देख पा रहे हैं. ये जो हमारे exponents ऊपर लिखे हुए हैं, जो negative हैं, हमको इन्हें पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है. देखते हैं किस प्रकार करना है. बिना समय गवाए चलते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड पर. इट इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. 5/8 होल ब्रैकेट 4 एक्सपोनेंट पावर मल्टीप्लाई 5/8 माइनस 6 एंड मल्टीप्लाई 5/8 होल माइनस 2. ये जो हमारे एक्सपोनेंट बेटा ऊपर लिखे हुए हैं. अब हमको क्या करना होगा बेटा? इट इज वेरी सिंपल. 5/8, 5/8, 5/8 एक ही प्रकार से हम लोगों ने इसके बेसमेंट को देखा. तब हम लोग क्या करेंगे, इन सबके बीच ये जी मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम इनके ऊपर ये जो हमारी एक्सपोनेंट्स दे रखे हैं, जो हमारी पावर्स दे रखी हैं, हम इनके साथ एडिशन करना शुरू कर देंगे. क्योंकि जब दो रेशनल नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई का हमारा साइन है, चिन्ह है, और ऊपर उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो दे रखे हैं, उनके जो पावर्स हैं वो दे रखे हैं, तब क्या होगा, ऐसी कंडीशंस में बेस एक होने पर उन सबको एक साथ ऐड कर दिया जाता है. हम इन्हें ऐड कर लेते हैं. हम अपनी पावर्स को यानी कि एक्सपोनेंट्स को यहां पर क्या कर लेते हैं बेटा, ऐड करते हैं. तो इट इज आवर 4, इट इज आवर 6 एंड इट इज आवर 2. इन सबको जब हम ऐड कर रहे हैं, इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास 6, 2, 8 हो गया. किसका? माइनस का. और प्लस का कितना है? 4. प्लस का कितना है? 4. तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5/8 पावर माइनस 4. अंडरस्टैंड? हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 8/4 यहां प्लस का 4. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 में हमको यही समझाने की कोशिश की गई है, यही बताने की कोशिश की गई है कि सिंपलीफाई, पहले सिंपलीफाई करना. सिंपलीफाई मींस यहां जो मल्टीप्लाई के हमारे साइन लगे हुए हैं, तो हमें इन सभी जो हमारे रेशनल नंबर दिए गए हैं, इन सब की हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है. मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया कि हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं. उसके बाद क्या करना होगा, एक्सप्रेस माने प्रस्तुत कीजिएगा, लिखिएगा एज ए पावर ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर की पावर्स को लिखेंगे. कैसे लिखना है वो? विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. यानी कि जो भी हमारा आंसर आता है कैलकुलेशन करने के बाद, उसके जो एक्सपोनेंट आएंगे, उसके जो ऊपर पावर आएंगी, उनकी जो ऊपर घातें आएंगी, वो पॉजिटिव होनी चाहिए. इसीलिए हम यहाँ पर ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं, ये जो हमारी पावर्स दे रखी है, इसको हमने यहाँ पर पॉजिटिव किया है, आप देख पा रहे हैं. तो पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसका जो बेस है, बेस को आप क्या कर देंगे, 5 को नीचे और 8 को ऊपर लिख देंगे. यही हमारा आंसर होगा बेटा. इसको हमने क्या किया है, सिंपलीफाई भी किया है, साथ ही साथ हमने इसके जो एक्सपोनेंट आई है, इसको जो पावर से ऊपर है, इसको प्लस कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को बेटा हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर जो है डिवाइडेशन की सिचुएशन है. ऊपर दो आपके पार्ट हैं, 1 एंड 2, इन दोनों में आपको मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन बताई गई है, और यहाँ पर 3 एंड 4, इन दोनों को डिवाइडेशन के आधार पर जो है एक्सप्रेस करने की बात कही गई है. तो हम यहाँ पर 3 और 4 में से किसी एक को ले लेते हैं. हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट को ले लेते हैं, और यहाँ पर भी हमें बेटा वही करना, सिंपलीफाई करना है. सिंपलीफाई तो बेटा इससे पहले के एक्सरसाइज में हम लोग करते आ रहे हैं. एक्सरसाइज 1 में भी हमने किया था, और एक्सरसाइज 2 में भी हम लोगों ने इसको जो इससे पहले करके देखा है, कि यहाँ पर हम डिवाइडेशन के साइन की बात करते हैं, तो वो वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है. यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा है ये जो हमारे, हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं.
बेटा दिए गए क्वेश्चन में हमारा बेस एक समान है, -6/11 एंड -6/11, दोनों के बीच यदि डिवाइड का जो है साइन दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हमारे एक्सपोनेंट दे रखे हैं, जो हमारा एक्सपोनेंट फर्स्ट रेशनल नंबर का है उसको हमें डिवाइड करना है किसके साथ, यहाँ 5 से, तो 5 से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर जब हम डिवाइड करते हैं तो एक्सपोनेंट्स आपस में माइनस हो जाते हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में भी आपको जो है सामान्य तरीके से एक इजी लैंग्वेज में समझाया था कि जब भी हम अपने एक्सपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, घातांकों को स्टडी करते हैं, वहां पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती है। दैट्स मीन्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर एक्सपोनेंट्स एड हो जाएंगे और जब हम अपने डिवाइड की कैलकुलेशन करेंगे उस समय पर जो है हमारे एक्सपोनेंट आपस में माइनस हो जाएंगे, तब क्या होगा, -8 एंड -5, इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस का 13 आ गया है। अब क्या करना हमको बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है, हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, सिंप्लीफाई के बाद वो कहता है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स जो भी सिंप्लीफिकेशन आए, सरल होकर हमारी संख्या सामने आए तो उसके जो हमारे एक्सपोनेंट हैं उन्हें हमें पॉजिटिव फॉर्म में ही लिखना है, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट में किया था, ठीक उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। और हमारे पास जो नंबर होगा -11/6 होल स्क्वायर 13, तो दैट्स मींस भाई यहां पर हमने -13 को +13 किया है। ऐसा करने पर वही प्रक्रिया, यहां पर जो ऊपर बेटा हमारा नंबर है वो नीचे होगा और जो हमारा नंबर नीचे लिखा है वो नंबर हमारा ऊपर होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ अ रेशनल नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। यहां हमें क्या करना है, जो भी सिंप्लीफाई होकर हमारा कैलकुलेशन आती है तो हमें वहां अपने एक्सपोनेंट को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके बेटा, करके देख लेते हैं इसमें से हम एक दो क्वेश्चन, मैं बेटा आपको यहां पर फर्स्ट करके दिखाता हूं। यहां पर है 2/3 होल क्यू, यहां जो क्यू लिखा हुआ है बेटा ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, हमें से क्या करना होगा नेगेटिव एक्सपोनेंट करना होगा। तो क्या करना होगा, सिंपली हम बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं, यहां 2 को हम लोग नीचे लिखेंगे और 3 को ऊपर, तो क्या हो जाएगा 3/2 होल क्यू, ऊपर हम इसे माइनस में शो करेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 किया है उससे ठीक जस्ट अपोजिट हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे और बिना समय गवाए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पास। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यहां जो नंबर हमारे सामने रखे बेटा रेशनल नंबर, हमें इसे अपने नेचुरल नंबर के साथ कैलकुलेशन करते हुए अपने सभी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, उन्हें सरल करना है। चलते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड पर, उसे वहां पर चल के समझ लेते हैं। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा पार्ट 1 हम यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं। और जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या है, 5 का एक्सपोनेंट -1 प्लस 8 -1 इसका एक्सपोनेंट है बेटा, और होल ब्रैकेट को हम कर लेते तो उसके बाद जो है स्क्वायर इन दोनों के ऊपर जो है अप्लाई हो जाता है। यहां हमें आगे क्या करना होगा, यहां हम 5 -1 के लिए इस फॉर्म में लिख लेंगे 1/5 और यहां बेटा +8^-1 या इसे 1/8 के फॉर्म में लिख लेंगे। इससे पहले हम इन सब बातों को आपको समझा चुके हैं और इसका जो है होल ब्रैकेट स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद हमको क्या करना होगा, वही प्रोसेस, इट इज द एडिशन थ्रू द सिस्टम ऑफ एलसीएम। एलसीएम प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए हम इन दोनों को जो रेशनल नंबर हमारे सामने दिए गए हैं इनको ऐड कर लेते हैं और ऐड करने पर हमारे सामने जो नंबर आते हैं 8+5/40² 8+5=13 13/40 एंड इट इज आवर 13/40² अब हमें यहां पर क्या करना होगा बेटा, 13 को हम जो है 2 times मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ ठीक नीचे भी 40 को हम 2 times मल्टीप्लाई कर देंगे। वी नो वेरी वेल 13 जा 169 और 40 को यदि बेटा हम जो है 40 × 40 करें तो हमारे पास जो है नंबर आता है 1600 एंड इट इज आवर
आंसर। मैं समझता हूं कि आप इसे बेहतरीन से समझ पाए हो बेटा। क्वेश्चन नंबर थ्री के एक दो पार्ट्स को मैं और आपके सामने जो है क्लैरिफाई करता हूं, उसे सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, यानी कि उसे हल करता हूं मैं आपके सामने, आप उसे भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री से बेटा हम एक दो क्वेश्चंस को और सॉल्व कर लेते हैं ब्लैक बोर्ड पर, हम इसे अभी सिंप्लीफाई करते हैं और आपको समझाते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। इट इज सेकंड आफ्टर दैट थर्ड पार्ट ऑफ इट। यहां पर बेटा हम लोग क्या करना है, ये जो हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने किस फॉर्म में लिख लिया है बेटा, यह क्वेश्चन को हमने 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6, आपको पता है कि ये हमने किस प्रकार से लिख लिया है। और बेटा जो इसका एक्सपोनेंट यहाँ दे रखा है -2, इस एक्सपोनेंट को हम अपना यहाँ सेम पोजीशन में लिख देते हैं। इसके बाद वही प्रोसेस जो हमने अपने क्वेश्चन नंबर थ्री के पार्ट फर्स्ट में किया है, हम यहाँ पर एलसीएम फॉर्म में इनको पहले लिख लेते हैं, यानी एलसीएम के आधार पर इन रीजनल नंबर को हम एड कर लेते हैं। और यहाँ पर हम बेटा हम अपना 4, 5 एंड 6 इन सभी का जो हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या था बेटा हमारा 60, अंडरस्टैंड। और यहाँ एलसीएम फॉर्मेट के आधार पर हमारे पास नंबर होते हैं 15 प्लस 12 प्लस 10। एलसीएम मेथड के आधार पर किस प्रकार से हम अपने रजिस्टर नंबर को ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं, इससे पहले के वीडियो में बड़े विस्तार से समझाया गया है, आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा और इसको क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ हम अपने नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, 15 प्लस 12 प्लस 10 इक्वल टू 37/60, एक्सपोनेंट क्या है बेटा हमारा -2। यहाँ आगे बेटा जो है, यदि हम इसको आगे लेके चलते हैं तो 37/60 को हम आगे भी जो है लेके चल सकते हैं, और इसको जो है माइनस फॉर्म में 37 × 37 या फिर 60 × 60 को हम लोग करके इसे आंसर तक पहुंचा सकते हैं। यदि हम शेड्यूल फॉर्म्स में देखें तो बेटा ये हमारा आंसर है, हम इसे यहाँ पर भी इसे आंसर फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट फोर, यानी क्वेश्चन नंबर थ्री का बेटा पार्ट फोर को हम जो है एक बार स्टडी कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। -3/4 एक्सपोनेंट क्या है बेटा -1 × 16/9, एक्सपोनेंट क्या है हमारा -1। आगे हम लोग देखते हैं तो -5/ ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, क्या है हमारा ये क्वेश्चन है। अब यहां पर इस माइनस को यदि हम लोग जो है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए, यहां 4 को हम ऊपर ले लेंगे और 3 को नीचे ले लेंगे। 4 को हमने ऊपर लिया है और 3 को नीचे लिया है, तो ये जो हमारा एक्सपोनेंट पावर से ये हमने जो है यहां पर ऐसे करके शो कर दिया है। और आगे 16/9, और यहां पर बेटा हमारा जो एक्सपोनेंट है वो माइनस फॉर्म में है, तो हम लोग ये क्या करेंगे, यहां पर ठीक उसी प्रकार से ये जो है 16/9 को हमने क्या लिख दिया है 9/16। ऐसा करने से हमने अपने जो हमारे माइनस के जो एक्सपोनेंट है इनको पॉजिटिव कर दिया है, अंडरस्टैंड। यहाँ 5/9 को सेम पोजीशन के आधार पर आगे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया है। इस प्रकार से हमने अपने यहाँ पर जो है 5/9 को इसी फॉर्म में लिख दिया है। मैं समझता हूँ आपको कि ये कैलकुलेशन बड़ी आसानी से समझ में आ गई है, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। इट इज आवर 4 से हमने इसे यहाँ डिवाइड किया, 4 × 16, 9 से हमने 9 को डिवाइड किया है, तो ऊपर हमारे पास क्या रहता है बेटा, यहाँ पर -1 हुआ, -1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या नंबर आ गया 1, 5 जा 5। यहाँ 3 हमारे पास है और 3 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट्स 3, 4 जा 12। So it is our answer. It is our answer, बेटा ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमने अपने क्वेश्चन नंबर थ्री के कुछ पार्ट्स को स्टडी किया, जैसे फर्स्ट को हमने स्टडी किया, उसके बाद मैंने इसका थर्ड भी आपको बताया है, और ये मैंने इसके जो है फोर्थ को भी बताया है। केवल एक क्वेश्चन छोड़ा है इसमें आपको सेकेंड, जो आपको सेल्फ स्टडी के आधार पर करना है। सो इट इज आवर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट फोर। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर फोर, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बेटा ये जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें हमें जो है सरल करना है, इन्हें सिंप्लीफाई करना है, तो एक एक करके हम इन सभी को समझते हैं, फॉलो मी। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर फोर एंड पार्ट फर्स्ट, 3/5 ब्रैकेट एक्सपोनेंट -2
एंड होल शेड्यूल ब्रैकेट फोर एक्सपोनेंट्स के रूप में हमारे सामने दिया गया है बेटा। जब हम लोग इस बात को समझते हैं तो जहां पर हमारे एक्सपोनेंट एवं एक्सपोनेंट्स होते हैं, यानी कि मैं सबको हिंदी भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो जब घात के ऊपर घात होती है, यानी कि पावर के ऊपर पावर होती है, तब उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम लोग इसको जो है करके देख लेते हैं। यहां हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? माइनस टू और फोर, ये दोनों ही क्या है बेटा? एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट्स, यानी कि पावर के ऊपर पावर है। तो यहां पर क्या रूल लगेगा कि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो टू को हमने फोर से मल्टीप्लाई किया, माइनस हमारे साथ है तो माइनस का एट, ये जो एक्सपोनेंट है यहां पर माइनस के एट में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। और यहां बेटा हम अपने जो है एक्सपोनेंट को यहां प्लस में चेंज कर देते हैं। जब हम अपने माइनस एक्सपोनेंट को प्लस में चेंज करते हैं तो वही शेड्यूल रूल है बेटा कि वहां पर हम अपने रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर को न्यूमेरेटर और न्यूमेरेटर को डेनोमिनेटर बना देते हैं। यानी कि इस बेस में जो भी नंबर्स आते हैं उन रेशनल नंबर्स के ऊपर की संख्या को नीचे और नीचे की संख्या को ऊपर लिख देते हैं। इसी आधार पर हमारा 5/3 का जो हमारा एक्सपोनेंट पावर है 8, इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। और यहीं पर ये हमारा आंसर है। लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ एक पार्ट्स और हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट थर्ड को हम लोग लेते हैं बेटा और इसे सिंपलीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के एक दो क्वेश्चन को बेटा हम और हल करते हैं ऊपर अपने अपने स्क्रीन पर ले जाके और देखते हैं। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट थर्ड को बेटा हम लोग समझ लेते हैं। पार्ट थर्ड बेटा हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, हम इसको देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी वही प्रोसेस है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट में स्टडी किया था, राइट? यहाँ पर क्या है बेटा? एक्सपोनेंट्स ओवर एक्सपोनेंट्स हैं, यानी कि पावर्स के ऊपर पावर्स हैं। तो यहाँ पर वही शेड्यूल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले कि हम पावर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और ठीक यहाँ पर भी वही प्रोसेस इस्तेमाल किया गया है। माइनस फाइव और यहाँ इसके ऊपर बेटा जो पावर लगा हुआ है वो टू लगा हुआ है। दैट्स मीन्स हम माइनस फाइव को टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, करके देखते हैं। और यहाँ हमने बेटा ये जो हमारे एक्सपोनेंट है 2-4, यहां इसे हमने क्या किया है? यहां -8, 2 4 जा 8। और यहां ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है बेटा -5 और 2, इनको हमने यहां पर 5 2 जा 10 इस प्रकार से एक्सपोनेंट्स के रूप में लिख लिया है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। -2/3 -2/3 दोनों का बेस सेम है, तो हम लोग को क्या करना होगा? यहाँ डिवाइड का हमारा बेटा साइन है, डिवाइड का चिन्ह है। That means, यहां हम एक्सपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ माइनस कर देते हैं। ये जो बेटा एक्सपोनेंट है -8, आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास ये रहा। और इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने माइनस का साइन लगाया हुआ है क्योंकि हमें माइनस करना है। डिवाइड होने के कारण हम एक्सपोनेंट्स को आपस में माइनस कर देते हैं। और ये जो हमारा 10 है बेटा, ये जो -10 एक्सपोनेंट है, ये हमने यहां लिया है। तो -8 से माइनस किया है किसे? -10 को। अंडरस्टैंड? जब हम यहां ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहां पर ये प्लस का 10 हो जाएगा। दैट्स मींस -8 + 10। यदि हम -8 और +10 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो पावर आएगी बेटा, जो एक्सपोनेंट आएगा वो 2 होगा, जो प्लस में होगा। और यहां हम अपने एक्सपोनेंट के रूप में 2 को लिख लेते हैं। और दैट्स मींस बेस हमारा क्या होगा? -2/3 एंड इट इज आवर आंसर। और बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप ये सब कुछ स्टडी को बड़ी आसानी से समझते जा रहे हो बेटा। और यदि किसी भी तरीके से आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो को जो है रिप्ले कीजिएगा, दोबारा से प्ले कीजिएगा, उसे देखिएगा, कहीं आप उसे पॉज करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बेटा एक्सपोनेंट्स एंड एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट्स होने की वजह से बच्चे बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यदि आप इसके स्टडी के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप बड़ी आसानी से इनको समझ सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यदि सब्जेक्ट में इजीनेस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इजी जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो मैथमेटिक्स ही होता है। बेटा आपकी वीडियो क्लास काफ़ी लेंदी हो गई है, जिसकी वजह से बेटा आपकी इस वीडियो क्लासेस को हम यहीं पर जो है स्टॉप करते हैं। आज की क्लास को यहीं जो है आज कंप्लीट करते हैं। और इससे जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, उस क्लास में आपके क्वेश्चन नंबर 5 सिंपलीफाई द फॉलोइंग एंड द क्वेश्चन एवेल्यूएट द फॉलोइंग, ये जो हमारा 6th क्वेश्चन है,
इसे भी हम बड़े विस्तार के साथ स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम स्टडी करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 यानी कि जो शेष क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं क्वेश्चन को हम जो है स्टडी वहां पर बड़ी आसानी से करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि बेटा आज की वीडियो आपको जो है समझ में आई होगी, पसंद आई होगी और आप इसे समझ भी पाए होंगे। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है, आपकी स्टडी आपको समझ में आई है, तो आप अपनी वीडियो क्लास को लाइक वाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको अपनी जो स्टडी है वो ऑनलाइन जो चल रही है बेटा कैसी लग रही है, क्या आप उससे कुछ बेनिफिट्स ले पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप उससे कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं। जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे तब तक मैं आपकी वीडियो क्लासेस में और इम्प्रूवमेंट कैसे कर पाऊंगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप अपने फीडबैक को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे जिससे मुझे पता चल सके कि आपको यह स्टडी कैसी लग रही है, क्या यह सही वे में चल रही है या फिर इसमें किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। I wish you best. God bless you.